प्यारे बच्चों, ये इंटीग्रेशन के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये लगभग लगभग 5 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स हैं। ये मान के चलिए कि 5 एग्जाम्पल्स में हैं, एक एग्जाम्पल अपनी राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपकी परीक्षा में निश्चित आएगा, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द फॉलोइंग इंटीग्रल। अब ये दे रखा है, देखो, अब पढ़िए। दिए हुए समाकल के सीमाओं से ज्ञात होता है कि समाकल क्षेत्र किस किस के बीच में घिरा हुआ है। y बराबर है 2ax - x² से और y बराबर 2ax से, और दूसरा x बराबर 0 से और x बराबर 2a से। आप एक क्वेश्चन को 3-4 बार करोगे तभी आप सोल्व कर पाएंगे, वैसे नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये आप देखें कि ये भाई आपका दिया हुआ समाकल था किस किस के बीच में गिरा हुआ है, y बराबर दिस, y बराबर दिस तथा x बराबर दिस और x बराबर 2a के बीच में दिया हुआ गिरा हुआ है। स्पष्ट है y बराबर 2ax - x² का रूट किस में है, दिस। एक वर्ग सर्कल है कि नहीं, x² + y² = 2ax, एक वर्ग सर्कल है जिसका केंद्र क्या है, a से 0 है, जिसका शीर्ष मिल बिंदु ओरिजिन है। तो इन वक्रों का ट्रेसिंग करने पर क्षेत्र हमारा OBACO बन रहा है, ठीक है। अभी बताते हैं, वे क्रम में समाकल बटे y एक्सिस के समांतर है, जो x बराबर 0 से लेकर x बराबर 2a के बीच स्थित है, तथा इन पट्टियों में y बराबर 10 तथा y बराबर 10 के है। समाकल क्रम बदलने के लिए हमें पट्टियां x के समांतर लेंगे, तो पट्टियां x बराबर 10 में चालू होकर x बराबर 10 में खत्म होंगी और इसमें से चालू होकर यहां खत्म होंगी। अब ये देखिए बेटा, देखिए डायग्राम आप अवश्य बनाए, डायग्राम बना बात नहीं बनेगी, डायग्राम बनाओगे तो एवरीथिंग आपको क्लियर हो जाएगी, एग्जामिनर को भी क्लियर हो जाएगी। हाँ, यहाँ से यहाँ पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ पूछ रहा है। अब देखो ये क्या है, x बराबर 0 से शुरू होकर ये कहाँ खत्म हो रहा है, x बराबर 2a के बराबर। देखो ये रहा है कि नहीं, ये कहाँ गया कुछ नहीं, ये ठीक है। और दूसरा क्या है, y बराबर 10 से शुरू होकर के इससे शुरू होकर कहाँ जा रहा है, ये है। ये क्या है, ये है आपका सर्कल, ये देखो। अब हमने क्या किया, पट्टियों को, ये पट्टियाँ किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। देखिए, तो ये आपका सेंटर होगा सर्कल का, ए से जीरो के बीच। अब हम पट्टियाँ चेंज करते हैं, पट्टियाँ एक्सिस के बीच में लेते हैं, तो हमारा ये समीकरण इसमें चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये वर्त इस प्रकार का बन जाता है, डबल, दो पट्टियाँ आती पैरेलल टू दिस एक्स एक्सिस के। अब ये पट्टियाँ किसके होगी, गिरी हुई वाई बराबर जीरो से शुरू होकर क्या जा रही है, वाई बराबर ए तक, और एक्स बराबर जिस से शुरू होकर कहाँ जा रही है, एक्स बराबर है दिस तक। ये देखिए, आप सिंप्लीफाई करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, गिरे हुए हैं अत दिव्य समाकलन का क्रम परिवर्तन करने पर। अभी देखो, ये आपका दिया हुआ और ये क्रम परिवर्तन होने के बाद में किसे चेंज हो गया, दिस, ठीक है। ये क्या था, dx dy, तो हमारा ये इंटीग्रेशन किस में होगा, dy और dx के अंदर। देखो ये आप ध्यान से देखिएगा, हमारा चेंज किस में होगा, dy और dx के अंदर। अब दूसरा क्या रहेगा, पट्टियां ये, और दूसरा तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू, तो इनको धीरे धीरे निकालेंगे आप और करेंगे। जो क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन है, इनमें निश्चित रूप से आपका एक क्वेश्चन परीक्षा के अंदर आएगा, तो आपको ध्यानपूर्वक निकालना है। ये आसान नहीं है, अगर आप पढ़ लिया अरे ऐसे होगा, ये ऐसे सोल्व हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। आप पहले इसको प्लॉट करें ग्राफ को, कि भाई ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ जा रहा है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ जा रहा है, ये हमें दिया हुआ है। फिर हमको ये पट्टियाँ किसके पैरेलल हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल हैं। हम पट्टियों को फिर आपके उसके बाद एक्स एक्सिस के पैरेलल लेंगे, तो ये सारा सिस्टम
जब आप अपलोड करोगे तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है, और फिर आप इसको सोल्व करोगे।